आश्चर्यजनक सत्य पर आ रहा है। उन्हें एक पवित्र आराधनालय का निर्माण करना था जो यह प्रदर्शित करता कि परमेश्वर हमें कैसे बचाता है। आराधना का यह चलित स्थान एक लघु विश्व स्वरूप था, उद्धार की संपूर्ण योजना का एक उदाहरण। अगली बार आश्चर्यजनक सत्य पर। हमारे संसार का कितना समय बाकी है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के आदर्श काल्पनिक समाज के असफल प्रयासों से इतिहास भरा पड़ा है। राज्य टूट गए, साम्राज्यों का पतन हुआ। मनुष्य की मंजिल क्या है? व्यक्तिगत शांति कैसे मिले? क्या हम भविष्य को जानते हैं? हाँ, अवश्य। आइए और हजार वर्ष की भविष्यवाणी की अद्भुत सच्चाई को जानने के लिए डग बेचलर के साथ सम्मिलित होइए। तो प्रस्तुत है हजार वर्ष की भविष्यवाणी। नमस्कार मित्रों, यहां न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन सेंटर में एक और उत्साहवर्धक शाम जो कुछ भीगी और आनंददायक है, आपका स्वागत है। आप चाहे कहीं भी हो, चाहे वहां वर्षा हो रही हो या सूर्य चमक रहा हो, हमें अत्यधिक प्रसन्नता है कि आपने हमारे साथ इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय में सम्मिलित होने का चुनाव किया। इससे पूर्व हम आगे बढ़े, आइए प्रार्थना करें। हे महिमामय स्वर्गिक पिता, ये जानकर कितनी प्रसन्नता होती है कि आपने हमें एक और शाम, एक और दिन के लिए जीवित रखा है। आपने हमारे शरीरों को शक्ति और हमारे हृदयों को सामर्थ्य प्रदान किया है। आपने हमें मन दिया है जिससे हम सोचें और आंखें दी है जिससे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हम आपके आत्मा को अपने मध्य होने के लिए निमंत्रण देते हैं ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सामर्थ्य दे, हमारी बुद्धि को विकसित करने में सहायता करे। प्रभु जी, हम आपके समीप आए और आपसे प्रेम करें। हम पास्टर डग बैचलर के लिए अति धन्यवादी हैं जो हमें बाइबल को स्पष्ट करते आ रहे हैं। जब हम जहां कहीं साथ साथ एकत्रित होते हैं, कोई अपवाद ना हो। हम प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण विश्व में शीघ्र हम आपके द्वितीय आगमन के लिए संगठित हो। इस सुअवसर के लिए आभारी हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ यहां मैनहट्टन में सम्मिलित होइए और स्वागत कीजिए आज शाम के प्रवक्ता पास्टर डग बैचलर। नमस्कार, हजार वर्ष की भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। हम अपने उन मित्रों का स्वागत करना चाहते हैं जो हमारे साथ उत्तरी अमेरिका और संपूर्ण विश्व में मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पास जो समाचार आ रहे हैं वे वास्तव में उत्साहवर्धक हैं। आज न्यूयॉर्क शहर में तूफानी दिन रहा। मैं सभागृह में परेशान यहाँ से वहाँ चलता रहा। बाहर का तूफान आपके छातों को उल्टा कर देगा यदि आप सतर्क न रहें। हमारे पास आपके लिए आश्चर्यजनक सत्य है। हवाई द्वीप पर एक विशाल मंदिर है। यह लगभग 300 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है, जिसकी दीवारें 6 मीटर ऊंची और 6 मीटर मोटी हैं। मैं वहां हो आया हूं। यह वास्तव में एक अविश्वसनीय दृश्य है। इसका निर्माण काल अति प्राचीन है, पर्यटकों के बसने से पूर्व, और उनके हवाई नियम, उनके अनेक व्यवहार निषेधात्मक थे, जो कई बातों की अनुमति नहीं देते थे। यदि आप इनमें से किसी पवित्र नियम का भंग करते, जिसे कापू कहते थे, कापू, और यदि कोई कापू को भंग करता, उसे कापूत कहते थे। फलस्वरूप इसके लिए प्राणदंड दिया जाता था। कुछ कापू ऐसे थे, आप महायाजक की छाया पर अपने पैर नहीं रख सकते थे। आपने वर्ष के किसी गलत समय पर कोई गलत मछली पकड़ी, कापू, मृत्युदंड। स्त्रियों को केला खाने की अनुमति नहीं थी, यह कापू था, वर्जित। पुरुष स्त्रियों को अपने लिए भोजन पकाने की अनुमति नहीं देते थे, कापू, ठीक है। परंतु इसमें एक त्रुटि थी। इससे बचने निकलने का एक उपाय भी था। यदि लोग इस पवित्र मंदिर में पहुंच सकें, जिसे पुहु होनवा कहते थे, शरण स्थान, आश्रय का नगर, सैनिकों से निकलकर मंदिर के भीतर प्रवेश कर सकते थे। वे शुद्धिकरण की विधि से गुजरते, जिसे पवित्रीकरण विधि कहते थे। उन्हें वहां क्षमादान दिया जाता था और पुनः समाज में स्वीकृत कर लिया जाता था। यह पवित्र भूमि एक स्थान था जहां उन्हें निर्दोष सिद्ध कर क्षमादान मिलता था, ठीक है। इसी भांति बाइबल हमें बताती है कि ख्रिस्त की देह एक मंदिर है। यीशु ने कहा, इस हस्त निर्मित मंदिर को नाश
कर दो और मैं 3 दिन में बिना हाथ की सहायता से इसे बनाऊंगा और हम इसी मंदिर के पास आ सकते हैं, हम ख्रिस्त के पास आ सकते हैं और फलस्वरूप क्षमा किए जा सकते हैं। अब यह उदाहरण हमारे आज रात के अध्ययन स्वर्गिक स्वरूप के साथ सामंजस्यता रखता है। आइए हम अपनी दिव्य कथा पर एक दृष्टि डालें। अब जब मूसा ने इसराइल की संतान का लाल सागर के पार बियाबान क्षेत्र में नेतृत्व किया, उत्तर से सीधे वाचा की भूमि के बनाए वह दक्षिण दिशा की ओर गया, नीचे सीनै पर्वत की ओर। अब केवल उसे ही उस पर्वत से 10 आज्ञाएं स्वीकार करनी थी, परंतु वह वहां 40 दिन और 40 रात रहा ताकि उसे अन्य निर्देश प्राप्त हों। आप जानते हैं ये लोग अनेक पीढ़ियों से दास बने रहे और उन्हें एक राष्ट्र के रूप में कैसे संगठित रहना है उन्हें कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई नागरिक नियम भी नहीं थे, परंतु इनसे अधिक जब वह पर्वत पर था परमेश्वर ने कुछ बड़ी जटिल सूचनाएं और निर्देश मूसा को दिए कि किस प्रकार उन्हें एक पवित्र मंदिर का निर्माण करना है। मिलाप का तंबू या उनके लिए शिक्षा का साधन था और यह प्रदर्शन स्वरूप था कि परमेश्वर किस प्रकार बचाते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला आराधना स्थल एक लघु विश्व स्वरूप था, संपूर्ण उद्धार का एक उदाहरण। आइए सीधे अपने प्रश्नों की ओर चलें। आप में से कितनों ने अपना पाठ किया है? मैं आपका उत्साह वर्धन करना चाहता हूं। आप अपने अध्ययन पर ध्यान दें और इसका अनुसरण करें। जब आप अपने उत्तर पर पहुंचे हमें क्या करना है, मेरे साथ उन्हें दोहराइए। प्रश्न क्रमांक 1, परमेश्वर ने मूसा को क्या बनाने को कहा और क्यों? बाइबल निर्गमन 25:8 में कहती है, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। यह पवित्र स्थान जहां परमेश्वर को उनसे मिलना था। अब जब सुलेमान ने परमेश्वर को मंदिर समर्पित किया जो कि बाद में वाचा की भूमि पर बनाया गया, उसने अपनी प्रार्थना में कहा, अनेक स्वर्ग भी तुझे अपने में समाहित नहीं कर सकते। तो क्या परमेश्वर को किसी स्थान की आवश्यकता थी कि उसे तत्वों से सुरक्षित रखे? ठीक है, उसने ऐसा कहा, मैं बाहर ठंड में पड़ा हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मेरे लिए मंदिर बनाओ। क्या प्रभु यही चाहता था? निसंदेह नहीं। वह तो इसके माध्यम से उन्हें कुछ शिक्षा देना चाहता था। उन्हें न केवल मंदिर के विषय में निर्देश दिए जाने थे, अन्य समस्त सामग्रियों वस्तुओं के बारे में जिनसे निर्माण किया जाना था, परंतु उन्हें हारून और उसके पुत्रों के विषय में निर्देश दिए जाने थे, किस प्रकार के परिधान पहनने, अंगरखा। परमेश्वर ने शरीर के ऊपर और नीचे सभी वस्त्रों का निर्देश दिया, यहां तक कि ये कपड़े किस सामग्रियों से निर्मित होने चाहिए, संपूर्ण निर्देश दिए गए। ठीक है, महायाजक एक विशेष प्रकार का अंगरखा धारण किया करता था। उस अंगरखे पर 12 बहुमूल्य रत्न जड़े होते थे, प्रत्येक पर इसराइल की संतान के नाम अंकित होते थे। वे 12 शिलाएं जिन्हें हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं वे ही नए यरूशलेम की आधार शिलाएं हैं। और आप जानते हैं बाइबल बताती है कि नगर की नींव में उन 12 वंशों के नाम हैं। अतः यहां आपके पास महायाजक हैं, उसके सिर के ऊपर एक स्वर्ण पदक था जिस पर लिखा था प्रभु की पवित्रता। आपको याद होगा जहां पत्रस हमसे कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, और बाइबल हमसे कहती है हम याजकों के देश के भी हैं। इस प्रकार ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम मिलाप के तंबू में सीख सकते थे। आप थोड़ी देर में जानेंगे कि यह भविष्यवाणी का एक भाग क्यों है। प्रश्न क्रमांक 2, परमेश्वर अपने लोगों से मिलाप वाले तंबू और उसकी सेवा को सीखने की अपेक्षा क्यों करते थे? भजन संहिता 77:13, हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है, जिस रीति से वह हमें उस महापवित्र स्थान में बचाता है वह उस मिलाप के तंबू में उद्धार की योजना को प्रदर्शित करता है। आप जब प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय का अध्ययन करते हैं जहां यीशु पहले प्रकट होते हैं वह महायाजक के महिमामय वस्त्रों से सुसज्जित हैं। बाइबल कहती है ख्रीस्त 7 दीपदानों के मध्य प्रकट होते हैं। वह मिलाप वाले तंबू में पृथ्वी पर एक कक्ष था, यह भौतिक आराधनालय स्वर्गीय आराधनालय का लघु रूप था। आप में से कितनों ने यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय में लिखित वर्णन पढ़ा है जब उसे परिवर्तन का अनुभव हुआ? यहां लिखा है कि यशायाह ने परमेश्वर को अपने मंदिर में सिंहासन पर विराजमान देखा। वह दर्शन यजकेल का है। अनेक दर्शनों को जिन्हें आप यरमिया की पुस्तक पुराने नियम में पाते हैं वे भविष्यवाणियां इस भौतिक आराधनालय परमेश्वर के निवास स्थान के संदर्भ में है जहां परमेश्वर की वेदी स्थित है। हम इसे मुख्य रूप से परमेश्वर के सिंहासन के विषय में समझाएंगे। इसे ध्यान में रखें जिसे आप यहां पृथ्वी पर देखते हैं। यह उद्धार की प्रक्रिया का भी प्रदर्शन था। हम पाप के कारण परमेश्वर से दूर कर दिए गए। वे इस मिलाप वाले तंबू में मेमने की बलि चढ़ाते थे।
यीशु हमारा मेमना है। बाइबल बताती है वह हमारा महायाजक है और यह हमारे लिए संपूर्ण उद्धार की प्रक्रिया को समझाने के लिए है। आराधनालय हमें त्रिकोणीय पाठ की शिक्षा देता है। अतः हमने भी कुछ योजना बनाई और कुछ छोटी प्रतिमाएं और प्रतीक स्थापित किए थे ताकि हमें वास्तविक वस्तुओं के बारे में कुछ अनुमान हो सके। और यही बात एक वास्तु कलाकार भी अपने विशाल निर्माण से पूर्व एक योजना तैयार करता है। वे इन नमूने के निर्माताओं के पास जाते हैं और लघु आकार के नमूने बनाते हैं ताकि उन्हें इसका अनुमान हो जाए और वे सीख सकें और उस नमूने से जानकारी प्राप्त कर सकें ताकि जब अंतिम निर्माण रूप दिया जाए वे वास्तविकता से परिचित हो जाएं। खैर, परमेश्वर चाहते थे कि हमें इस वास्तुशिल्प से उद्धार की वास्तविकता का कुछ ज्ञान हो और ये वास्तविक शिल्प जिसे मिलाप का तंबू कहते हैं, हम इससे कितना सीख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, मूसा को इस मिलाप के तंबू की निर्माण योजना कहां से प्राप्त हुई? निर्गमन 25:40, सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिया गया है। अब क्या मूसा ने इन बातों की स्वयं कल्पना की थी? वह तो बियाबान में 40 वर्ष तक एक चरवाहा रहा था। इस तंबू का आयतन, आकार, शिल्प वस्तु, अनुपात आदि सभी अविश्वसनीय से लगते हैं। उसी भांति जैसे परमेश्वर ने नूह को उस जहाज के निर्माण में निर्देश दिए थे, ठीक है, सभी नाप परिमाण में हैं। परमेश्वर ने मूसा को भी ये सभी योजनाएं दी। यदि हम ये अच्छी तरह समझें कि स्वर्ग में क्या हो रहा है तो जो भी हम निर्माण इस पृथ्वी पर करते हैं वह त्रुटिपूर्ण सा लगता है। भौतिक पवित्र आराधनालय तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के वास्तविक स्वर्ग निवास का एक लघु रूप था। परमेश्वर के वास्तविक स्वर्ग निवास स्थान में उसके दोनों ओर दो जीवित स्वर्गदूत हैं। भौतिक पवित्र आराधनालय में वे स्वर्ण निर्मित हैं। उसके चारों ओर 10,000 × 10,000 स्वर्गदूत सर्वदा रहते हैं। ये अनगणित आत्माएं सदा सेवारत रहती हैं। भौतिक पवित्र आराधनालय में निर्माताओं ने दीवार पर स्वर्गदूतों के इस चित्र को स्वर्ण जटित रूप में चित्रित किया है। अतः आपने जो कुछ पृथ्वी पर निर्मित देखा वह एक लघु आकार का नमूना है जो कि वास्तविक रूप में स्वर्ग में स्थित है। अतः परमेश्वर स्वर्ग में किसी असुविधाजनक कोष्ठ में आबद्ध नहीं, परंतु यह चलित पवित्र आराधनालय उन्हें समझाने के लिए कि स्वर्ग में वास्तविक मंदिर कैसा है दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, उस पवित्र आराधनालय के प्रांगण में किस प्रकार की साज सज्जा थी? मेरे साथ उत्तर अ को कहें। निर्गमन 29:18, तब उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना वह प्रभु के लिए होम बलि होगा। उत्तर ब, सबसे पहले वहां एक वेदी थी। दूसरी वस्तु जो वहां थी, तू पीतल की एक हौदी बनाना और उसमें जल भर देना। अब मैं इसके पहले कि आगे बढ़ूं मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। मिलाप वाले तंबू के तीन पक्ष थे, तीन प्रकार थे। वहां एक प्रांगण था, वहां एक पवित्र स्थान और एक महापवित्र स्थान था। जाइएगा मत, हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं। आज का अध्ययन पाठ उस श्रृंखला का एक भाग है जिसे पास्टर डग बैचलर ने न्यूयॉर्क में प्रस्तुत किया था। डग महोदय हमें आत्मा पूरित यात्रा पर ले चलते हैं जिसमें दिव्य कथाओं की सत्यता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बाइबल की कहानियों का उपयोग किया है, अध्ययन पाठों को परिभाषित करने के लिए भविष्यवाणी की कथाओं का आश्रय लिया है। क्या आप हमारे साथ मिलकर अध्ययन करना चाहते हैं? आपके लिए हमारे पास शुभ संदेश है। संपूर्ण दिव्य कथाओं का संग्रह अभी उपलब्ध है। आप डग महोदय के साथ प्रत्येक सप्ताह अमेजिंग फैक्ट्स कार्यक्रम पर अध्ययन कर सकते हैं अथवा अपने घरों में भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी रीति से आप इन 24 बाइबल मनोरंजक पाठों से परिपूर्ण आशीष प्राप्त करेंगे। अपने निशुल्क पाठों को प्राप्त करने हेतु तथा भविष्यवाणी की दिव्य कथाओं के अध्ययन को आरंभ करने के लिए कृपया लिखें अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र। निसंदेह आप अपने निर्णय पर अवश्य संतुष्ट होंगे। हम उद्धार के सिद्धांत के वर्णन के लिए तीन बड़े शब्दों का उपयोग करते हैं, धर्मी ठहराया जाना, पवित्रीकरण और महिमामयता। धर्मी ठहराया जाना, आप जिस दशा में हैं उस स्थिति में आए, वह वेदी है, वह मेमना है।
जब इसराइल की संतान मिस्र में बलि चढ़ाती थी वे गुलाम थे। मूसा ने उनके पास आकर यह नहीं कहा, मैं तुमसे कहूंगा तुम 10 आज्ञाओं का पालन करो और हम तुम्हें मिस्र से बाहर निकाल ले जाएंगे। वे तो केवल परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पर बचाए गए और प्रभु इसी तरह चाहता है। फिर वे पानी के हौद से गुजरे, लाल सागर, बपतिस्मा, जल, शुद्धता और पात्र। देखिए उद्धार की द्वितीय चरण की प्रक्रिया यह थी। अब हमने बताया कि प्रांगण में क्या था। हमारे पास यहाँ एक छोटा वीडियो चलचित्र है, मैं आपको यहाँ लिए चलता हूँ ताकि आपको समझने में सहायता हो कि यहाँ आप जब तंबू में जाते हैं वहाँ क्या देखते हैं। तंबू के भीतर आपके पास पहले शुद्धिकरण का क्षेत्र है जिसे आप पवित्र स्थान कहेंगे। तत्पश्चात परम पवित्र स्थान में जिसे पवित्रों का पवित्र कहा जाता है, आपके पास वहां महात्म्य है। अब आप इस महल को देखते हैं जिससे पता चलेगा कि मंदिर में क्या हो रहा था। बाईं ओर दीपधार होता था, दाहिनी ओर मेज पर भेंट की रोटी होती थी, धूप द्रव्य की वेदी कुछ सूचना के साथ मंदिर के पर्दे के सामने होती थी। फिर अति पवित्र स्थान में आपके पास साक्षी पत्र का संदूक होता था। नूह के जहाज से यहां मतिभ्रम न हो, 2 स्वर्गदूत इसके ऊपर विराजमान, जिसे हम दया का स्थान कहते हैं, जिसे परमेश्वर की उपस्थिति की महिमा जो उनके मध्य में होती थी। उस संदूक के अंदर दया की पीठिका के नीचे उसके शासन की आधारशिला थी, जहां उसके पास 10 आज्ञाएं पत्थर की 2 पट्टियों पर, बाइबल कहती है, इसके दोनों ओर लिखी हुई थीं, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी और इसकी 2 प्रतियां हैं, एक तो परमेश्वर के लिए और दूसरी हमारे लिए, और हम उन्हें उसी प्रकार सुरक्षित संदूक में रखते हैं। इसे साक्षी का संदूक कहते हैं। इसलिए आपके पास एक छोटा चित्र है, यहां दर्शाता है कि मिलाप के तंबू में क्या हो रहा है। ठीक है, आइए पुनरावृत्ति करें और सुनकर और प्रश्नों को दोहराकर अच्छी तरह से स्मरण करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5, पवित्र स्थान में कौन सी 3 सज्जाएं हैं? उत्तर अ, भेंट की रोटी मेज पर। यह भेंट की रोटी अर्थात इस रोटी से परमेश्वर की उपस्थिति का आभास होता था। वे नीला वस्त्र फैलाएं और उस पर निरंतर रोटी होगी। उत्तर ब, जब तू दीपक जलाए 7 दीपकों का प्रकाश दीपाधार पर पड़े, अतः वहां एक दीपाधार था, दीवट वहां दूसरी सज्जा होती थी। उत्तर क, तू धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। ये सभी वस्तुएं स्वर्ण निर्मित थी, ये सभी अलग अलग बातों की पवित्रता की प्रतीक थी। अब मैं शीघ्रता से आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इसका बड़ा आकार प्राप्त हो। मैं कुछ समय के लिए रुकना चाहता हूं और मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको प्रचार करने की अपेक्षा अनेक विभिन्न प्रतीकों को जो मिलाप वाले तंबू में दिखाई देते हैं उन्हें सिखाना अधिक उपयुक्त समझूंगा। प्रश्न क्रमांक 6, परम पवित्र स्थान में कौन सी विशेष वस्तु थी? उत्तर निर्गमन 26 पद 34, फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना। अतः यह संदूक, आपने खोए हुए संदूक के विषय में सुना था, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, यह परम पवित्र स्थान पर था। प्रश्न क्रमांक 7, उस संदूक के अंदर क्या था? निर्गमन 25:21, प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। व्यवस्था विवरण 10:4-5, और प्रभु ने 10 आज्ञाओं को पहली के समान उन पट्टियों पर लिखे और यही भी 10 आज्ञाएं साक्षी स्वरूप थीं। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पट्टियों को अपने बनाए हुए संदूक में रख दिया। प्रभु की आज्ञानुसार ही वे वहां रखी हुई हैं। मित्रों, अब मैं कुछ समय के लिए इस पर विचार करना चाहता हूं। जब आप पवित्र स्थान के विषय में सोचते हैं तब आप किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति का अनुमान लगाते हैं? यदि मैं कहूं पवित्र स्थान यरूशलेम, यरूशलेम तो एक नगर है, परंतु आप इज़राइल के विषय में सोचें पवित्र स्थान। अब यदि मैं कहूं एक गीत है पवित्र नगर, वे किसके विषय में गाते हैं? यरूशलेम। अब उस पवित्र नगर में वहां एक पवित्र पर्वत है, इसे सिय्योन का पर्वत भी कहते हैं, तो कभी इसे मोरिया पर्वत भी कहा जाता है। अब उस पवित्र पर्वत पर एक पवित्र मंदिर भी है। ठीक है, मैं इस पृथ्वी के परम पवित्र स्थान की बात कर रहा हूं। आपके पास पवित्र स्थान है, वहां पवित्र नगर है, ठीक है, फिर वहां एक पवित्र पर्वत भी है, और फिर इस पवित्र पर्वत पर आपके पास एक पवित्र मंदिर है, और इस पवित्र मंदिर के ऊपर आपके पास पवित्र स्थान है। आप इस पवित्र स्थान से गुजरें तो आप पवित्रों के परम पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं।
इसमें ऐसा क्या था जिसके कारण यह परम पवित्र कहलाया? साक्षी का संदूक, यह स्वर्ण निर्मित संदूक। खैर, वास्तव में प्रश्न है संदूक कहां है। अब यदि वे नूह के जहाज के विषय में कह रहे हैं, यह तो अरारात के पर्वत पर था। ठीक है, बाइबल के अनुसार तो यह कहा गया है। यदि वे साक्षी के संदूक के विषय में बात कर रहे हैं, अथवा वे मूसा के द्वारा बनाए गए लघु संदूक के विषय में, जिसे उसने एक शिशु की तरह स्थित किया गया था। बाइबल में तीन संदूकों का उल्लेख किया गया है, नियम का संदूक अथवा साक्षी का संदूक या स्वर्ण संदूक, और लोग इच्छा कर रहे हैं काश वह हमें मिल जाए। यह अचानक अंतर्ध्यान हो गया जब नबूकदनेज़र ने मंदिर का विनाश किया, जब यिर्मयाह ने राजा सिदकिय्याह को चेतावनी दी थी कि मंदिर नष्ट किया जाएगा और जलाया जाएगा। और अनेक बाइबल विद्वान विश्वास करते हैं कि संभवतः यिर्मयाह और कुछ पुरोहितों ने इस संदूक को लेकर कहीं यरूशलेम की किसी गुफा के अंदर छिपा दिया हो, क्योंकि परमेश्वर जानता था क्या होने वाला है। एक कारण हम जानते हैं, वो यह कि जब वे यरूशलेम को वापस लौटे, फारस के राजा ने उन्हें मंदिर के समस्त पवित्र पात्र और अन्य वस्तुएं दे दी, परंतु साक्षी के संदूक के विषय में फिर कभी नहीं सुना गया। अतः हम अभी भी विश्वास करते हैं कि यरूशलेम के आसपास ही कहीं गुप्तावस्था में रखा गया होगा। इसे उठाने के लिए 12 पुरुषों की आवश्यकता होती थी, और ऐसे महिमा में संदूक को कोई दिन के समय कहीं अधिक दूर नहीं ले जा सकता था। मेरे विचार में उसे गुप्त रीति से शहर के बाहर रात्रि में ले जाकर किसी कब्र में रखकर मुहर बंद कर दिया गया हो। यह विश्व की एक महान पुरातत्व खोज होगी। ठीक है, नूह के जहाज के विषय में अथवा साक्षी के संदूक के विषय में हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। आश्चर्यजनक सत्य पर देखिए कुछ दिलचस्प सवाल जवाब। इस प्रसारण की अवधि में हमारे पास हमारे स्थानीय श्रोताओं और उन समस्त दर्शकों से सैकड़ों प्रश्न आए। हम प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ समय इन्हें देंगे, अतः करेन और मैं इनमें से कुछ मनोरंजक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इब्रानियों अध्याय 12 में कथित साक्षी के मेघों का क्या अभिप्राय है? ठीक है, आप जानते हैं बाइबल हमें बताती है मेघों का आशय जीवित वस्तुओं की भीड़ से है। बाइबल कहती है यीशु मेघों पर आ रहे हैं। वे किस प्रकार के मेघ हैं? हमने अध्ययन किया था कि वे स्वर्गदूतों के मेघ हैं। फिर बाइबल हमें बताती है कि याजूज और माजूज समस्त पृथ्वी को बादलों की भांति घेर लेंगे। यहाँ दुष्टों के विषय में कहा जा रहा है, अर्थात लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़। ठीक है, मैंने ऐसा ही दृश्य मैनहट्टन के मार्गों पर लोगों की भीड़ को व्यस्तता के समय देखा। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी भीड़ में लोग बिना दुर्घटना के शिकार हुए मार्गों को कैसे पार कर लेते हैं। परंतु जब यह कहा गया कि साक्षी के मेघ, तो यहाँ उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में निहित हमारे पास इन लोगों के चरित्र की गाथाएं हैं जो इनमें असफल रहे। जिन्हें विजय प्राप्त हुई वे सफल हुए, और वे हमारे लिए साक्ष्य स्वरूप हैं कि हम भी किसी प्रकार विजयी हो सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वे हमें स्वर्ग से निहार रहे। अतः हमारे पास बाइबल में साक्षियों के मेघ के रूप में पूर्वजों और भविष्यवक्ताओं के जीवनों का इतिहास उपलब्ध है। ठीक है, धन्यवाद। क्या शैतान हमारे मनोभावों को पढ़ सकता है? आपसे बेहतर वह मेरे मनोभावों को नहीं पढ़ सकता। खैर, मैं कभी कभी तो अच्छी तरह से पढ़ सकती। जो बाइबल कहती है वही मेरा आशय है। और इसी प्रकार शैतान भी है ना? शैतान आपके मनो में विचार उत्पन्न कर सकता है। आप में से कितनों को यह मालूम है? परंतु वह जो सब कुछ कर सकता है वो यह कि आपके शारीरिक हाव भाव को देखकर आपकी अभिव्यक्तियों तक पहुंचता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ही केवल हमारे मनो के विचारों को जानता है। मेरे विचार से एक राजा अध्याय 8:39 पद है। यह सुलेमान की समर्पण प्रार्थना है। परंतु केवल परमेश्वर ही मनुष्यों के हृदयों को जानने की योग्यता रखता है। क्या यीशु को लोगों के मनोभाव मालूम थे? क्या वो बता सकता था कि वे क्या सोच रहे थे? वो जानता था कि मनुष्य क्या है। यूहन्ना यह बताता है, तो वह स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, क्या पूछू? क्या आगे बढ़िए, पूछिए। क्या यीशु के द्वितीय आगमन के समय परमेश्वर पिता आते हैं? यीशु के द्वितीय आगमन से संबंधित ये स्लाइड्स तो कलाकारों की धारणा पर आधारित हैं। उन्हें अक्षरशः न लें। वे कहते हैं, क्या परमेश्वर पिता यीशु के साथ नहीं आ रहे? हम हमेशा केवल यीशु को देखते हैं। हाँ, वही है। जब कैफा यीशु का न्याय कर रहा था, उसने कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। और यीशु ने उसे उत्तर दिया, अब से तुम परमेश्वर के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे देखोगे। आप इस प्रकार के सामर्थ और महिमा अर्थात दाहिनी हाथ पर से क्या सोचते हैं? ख्रिस्त जब आते हैं वो पिता के दाहिने हाथ पर बैठे होंगे। अतः पिता, परमेश्वर और पुत्र साथ साथ आ रहे हैं, और निसंदेह आत्मा भी। क्या अंतरजातीय विवाह अनुचित है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने
सभी जातियों को एक लहू से सिरजा। एक बार पुराने नियम में मिरियम और हारून ने मूसा को एक कठिन समस्या में डाला, क्योंकि उसने एक इथियोपिया वासी से विवाह किया और परमेश्वर ने हारून और मिरियम को ऐसा करने के लिए शापित किया, अतः उसने मूसा की विवाह को आशीषित ठहराया। यदि आप किसी से भी विवाह करें, बाइबल कहती है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। असमान जुए का अर्थ हमेशा जाति वंश से नहीं होता, इसका अर्थ संस्कृति से हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम उत्तरी कैलिफोर्निया से हैं। हम अनेक वंश जाति के कलीसिया के पास्टर जो उत्तरी कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को से हैं, जहां सभी प्रकार के मानव जाति के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग अंतर जाति विवाह के प्रति उंगली तक नहीं उठाते। आप दक्षिण अफ्रीका जाएं, आपको समस्या हो सकती है। आपको वहां संस्कृति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि आपके वहां वैवाहिक संबंधों से जो बच्चे पैदा होंगे, इससे उन बच्चों के लिए स्थिति कठिन हो सकती है। अतः आपको अपना निर्णय सोच समझ कर लेना है, समाज को समझना है, ऐसे संबंधों की प्रतिक्रिया क्या होगी। परंतु बाइबल के अनुसार ऐसा कोई आदेश नहीं कि आप अन्य जाति वंश में विवाह ना करें। आमीन। आपको अन्य विश्वास अनुयायियों से विवाह नहीं करना है। आइए हम अपने आगामी प्रसारण पर दृष्टि डालें। क्या आपके लिए पाप करना कठिन होगा यदि हर बार पाप करने पर आपको एक मेमने की हत्या करनी है, या और कितना कठिन होगा जब हमारे पापों के कारण परमेश्वर के प्रिय पुत्र को अपने प्राण देने पड़ते हैं। ठीक है, अगली बार आश्चर्यजनक सत्य पर। आज का प्रसारण ऑडियो कैसेट पर उपलब्ध है। जब आप अपने कैसेट का ऑर्डर भेजें, आपको इस प्रसारण के तीनों विषयों के 90 मिनट के कैसेट प्राप्त होंगे। अपने कैसेट के ऑर्डर के लिए 100 रुपये का DD अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र को भेजें। टेप 15 के लिए निवेदन कीजिए।